कहते किस तरह आएंगे, लोड सेंड करो। देखिए तुम्हें पता है मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं घर में हूँ, तो बैलेंस भी खत्म हो गया, अभी छोटी भी ट्यूशन में भी गया हुआ है। शेख कासिम को जानते हैं आप, उनको कॉल करूंगी। सर मुझे कोई इनकार करता मुझे रोना आना शुरू हो जाता है। सर मैं आपको लोकेशन बता देती हूँ, जेलो पार्क मिलना है हमने रात को 3 बजे। लड़कियों के अलावा कौन सी आवाजें निकाल सकते हैं? लड़की की आवाज तो सारा मुल्क खा जाए, मैं किसी को आवाज लगाऊं? एक्सक्यूज मी बात सुने कहाँ जा रहे हैं? 100 का 100 बंदा देखता है और किसी की आवाज में को देखेगा। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा आबिद। और मैंने हमेशा सुना था कि जो लड़के होते हैं बड़े शरारती होते हैं और बड़ी अजीब किस्म की शरारतें करते हैं। आज मेरे साथ एक नाजम नाम का लड़का मौजूद है, आइए उससे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो कौन सी शरारतें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ। मैं नाजिम भाई का इंटरव्यू करने आई थी, ये बीच में लड़की कहाँ से आ गई? बिल्कुल ऑफ कोर्स आप नाजिम का इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन नाजिम आवाज लड़कियों वाली निकाल सकते हैं? अंदर से तो कोई नाजमा निकल रही है। जी जी नाजमा तो निकल आप कह सकती है नाजमा, लेकिन लड़की की आवाज निकाल लो, वॉइस ऑफ आर्टिस्ट। एज अ फीमेल मैं आपकी हंसने की फैन होगी, जरा हंस के दिखाना। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि कॉलेज में एक लड़का आया तो वो मुझे बार बार फ़ोन किया करता था, मुझे कहता था कि यार किसी लड़की का नंबर दो, किसी लड़की का नंबर दो। तो मैंने उसको अपना नंबर दे दिया। अब मैंने जब उससे फ़ोन पे बात की है, उससे बात की थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो जानू? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। ठीक हूँ, मुझे बड़ी तुम्हारी याद आ रही थी। क्यों? दिसंबर चल रहा है ना। हाँ तो सभी लोगों को याद आ रही है, कौन सी नहीं याद आ रही है। कभी भी ये होता है कि आज भी पेट्रोल के पैसे नहीं है, आज लोड नहीं है, तो चलो इस लड़की को कॉल करके, लड़की को कॉल करके लोड के पैसे मंगवा लेता हूँ, लोड मंगवा लेता हूँ, इस तरह करते हैं। कजन है जो मेरे रिश्तेदारों में थे, कभी किसी के साथ शरारत कर लेता हूँ और लोड मंगवा भी लेता हूँ, फिर बाद में सेंड भी कर दे। सेंड कर दे लोड के साथ, गालियां भी सेंड कर। हो सकता है कि लड़की कहे और लोड ना आए। कहते किस तरह आएंगे, लोड सेंड करो। देखिए तुम्हें पता है मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं घर में हूँ, तो बैलेंस भी खत्म हो गया, अभी छोटी भी ट्यूशन में भी गया हुआ है, ट्यूशन गया हुआ। अब आते हैं फिर मैं आपसे बात करती हूँ, वो आगे कहेगा चलो वो तो बात नहीं है, मैं आपको बैलेंस कर। नहीं नहीं बैलेंस की बात नहीं है, लेट हो जाएगा, फिर मैं आपसे बाद में बात कर। नहीं नहीं यार मैं आपको बैलेंस सेंड करता हूँ, 200, 200, 500 की कौन सी बात है। नहीं ना मुझे अच्छा नहीं लगता मैं आपसे बैलेंस कहूँ। वो फिर आप कहेगा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बार बार कहेंगे मुझे भी अच्छा नहीं लगा, फिर इसमें वो बैलेंस सेंड कर देगा। आप एक काम किया करें, करके ना ये बैलेंस वगैरह सबसे मंगवा के मुझे सेंड कर दिया करें, बेशक ना खाएं मुझे बस सेंड कर दिया। नहीं तो मैं अपने दोस्तों को मतलब चुना लूँ, आपको मैं सेंड कर दिया करूँ, ये तो गलत बात है ना। बेचारे गरीब का भला हो जाएगा। तो मैं कौन सा अमीर हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि सिर्फ बैलेंस बैलेंस ही खेलना है या आगे आईफोन तक भी जाना है, और कितना टाइम लगेगा आईफोन लेने के लिए? नहीं 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 मेरी VR तो सिर्फ बैलेंस था कि मैं आईफोन नहीं ले सकती यार। लड़कियों के अलावा कौन सी आवाजें निकाल सकते हैं? लड़कियों के अलावा लड़की की आवाज़ तो सारा मुल्क खा जाए, इसके अलावा मुझे और आवाज़ निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई 100 बंदा बैठा हो मैं किसी को आवाज़ लगाऊं? एक्सक्यूज मी बात सुने कहाँ जा रहे हैं? 100 का 100 बंदा देखता है और किसी की आवाज़ में को देखेगा? अब इससे बढ़ के कोई हो ही नहीं सकती कोई चीज़। सारी बातें हो गई आपकी, मैंने बात भी कर ली, मैं तो तब मानूंगी जब आप एक लाइव प्रैंक कॉल हमें करके दिखाएंगे। शेख कासिम को जानते हैं आप? वो वाले बड़ा मुश्किल से निकले, वो वाले। हाँ वही वाले, इस तरह की आवाज निकालती है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ। मैं उनको कॉल करूंगी और उनसे बात करना, लेकिन आपने उनको बताना नहीं है कि आप लड़का हैं, हम आगे तक लेके जाएंगे। जा रही है? हाँ शेख कासिम को कॉल जा रही है, स्पीकर पे कर दें। स्पीकर कहाँ है? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? जी आ रही है, आप कौन? सर आपने मुझे पहचाना नहीं है? नहीं मैंने नहीं पहचाना, बट मैंने आपको पहचान लिया सर। आप कौन बात कर रहे हैं? सर शेख कासिम बात कर रहे हैं ना आप? तो एग्जैक्टली आप मुझे क्यों नहीं जानते सर? शेख कासिम तो मैं हूँ, आप कौन है? सर मैं इकरा बात कर रही हूँ। इकरा? कौन सी इकरा? मैं तो काफी इकराओं को जानता हूँ।
अभी मुझे जानते हो गया उनमें इकरा में से। ओके, आपने किसलिए फोन किया? सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपकी हर वीडियोस देखती हूँ, पूरी वीडियो देखती हूँ, लाइक भी करती हूँ, हर वीडियोस पे कमेंट्स भी करती हूँ। सर मैं आपको मिलना चाह रही हूँ, और मैंने आपको किस लिए फ़ोन करना था, बड़ी मुश्किल से मैंने आपका नंबर ट्रेस है, बड़ी मुश्किल से रेफरेंस से मैंने आपका नंबर लिया है। अरे चलो वो तो ठीक है, मगर मिलना क्यों चाह रही है? सर मैं आपकी फैन हूँ, मैं आपको सर लाइक करती हूँ, मैंने आपको सर लाइव देखना है सामने से। सर प्लीज इनकार नहीं करना। सर मुझे कोई इनकार करता मुझे रोना आना शुरू हो जाता है। नहीं प्लीज ना रोएं, प्लीज ना, कोई लड़की को ना रोना अच्छा नहीं लगता। थैंक यू सर, अब मेरी फीलिंग्स हो सर मेरे, थैंक यू। मगर नहीं, मगर मिलना सर, मैं आपको लोकेशन बता देती हूँ, जल्लो पार्क मिलना है हमने रात को 3 बजे। सर देखिए मेरी बात सुनिए, सर मैं जा रही हूँ कि शोर ना हो, सब लोग सो रहे हों, कहीं से कोई आवाज़ ना आए, मैं इस टाइम मिलना चाह रही हूँ ना, इसलिए मैं आपकी बड़ी फैन हूँ ना, आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? नहीं, मैं इस तरह नहीं मिल सकता, ठीक है? सर मुझे मसला नहीं है आपकी शादी हुई है, लेकिन मैं तो आपकी फैन हूँ ना सर। नहीं नहीं, आपको नहीं मसला होगा, मगर मेरी वाइफ को पता चल गया, उन्हें मसला हो जाएगा। सॉरी सर, आहिस्ता बात कीजिए, उनको पता ना चल जाए। लेकिन मैंने आपको मिलना रात को 3 बजे, लेकिन अगर आप नहीं कहते, अब रात को 3 बजे नहीं कहते, तो हम अच्छी इसके अलावा लोकेशन मूलियों वाला को खेत ढूंढ लेते हैं। मूलियों वाला खेत क्या करने आप? तो लोकेशन अच्छी रहेगी ना वो। आप उधर जाएं, ठीक है? पता चल जाएगा, अब आप मिलेंगे उनसे मूलियों वाले वो खेत। अगर आ जाते तो वो अकेले ही मूलियों वाले खेत पर घूमते, मैं तो वहाँ पे हूँ ही नहीं। लाइक सीरियसली आप चले जाए वहाँ पे और आगे से देखे नाजमा की जगह नाजम खड़ा है, शेख काजम तो गए। वीडियो ये लगेगी, आप लोगों ने लाइक करनी है, कमेंट करनी है, शेयर करनी है, तो हम शेख कासिम के साथ पार्ट 2 भी करेंगे और आपने लाइव मूलियों वाले खेत में जाना है लाजमन। चलें, अच्छा लगा आपसे बात करके, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, मैं ये भी नहीं कहती अल्लाह ताला आपको और लड़कियां अंदर आपकी जॉब जो है उनको जगह। तो आपको क्या क्या कहना चाहेंगे हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए? मेरी बात सुने, MYK को लाइक करें, कमेंट्स करें और इनको सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू जी नाज़रीन, वीडियो आपको पसंद आई होगी, दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय।